सबसे पहले आई एम सो सॉरी, तो आप लोगों को भी वेट करना पड़ा. सो गाइज, अभी कुछ दिन पहले ही मैं हंदवाड़ा एक इवेंट पे गई थी, तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा जाके, काफ़ी बहुत अपने टाउन में आके काफ़ी अच्छा लगा. पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ कि मैं भी डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा से ही हूँ, मैं हंदवाड़ा से हूँ, बिल्कुल आप ही में से एक हूँ, आप जैसी हूँ. तो आप में से जो मुझे जानते हैं उनके लिए भी मैं मदीना राजपूत हूँ, जो नहीं जानते हैं उनके लिए भी मदीना राजपूत हूँ. सो कैसे हैं आप सब? आप में से एनर्जी ख़त्म हो गई है, तो कैसे हैं आप सब? अच्छा, ठीक है. तो सबसे पहले तो फिर मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं. तो मेरा नाम मदीना राजपूत है, मैं हंदवाड़ा से हूं बेसिकली, बट अभी श्रीनगर में हूं. सो मैं प्रोफेशन से एक एक्टर हूं. तो कई लोगों ने शायद अभी रिसेंटली मेरी मूवी नहीं देखी होगी, आई गेस आप लोग नहीं देख पाए होंगे, बट जो PVR और एनॉक्स पे ऑल इंडिया रिलीज हुई थी, वेलकम टू कश्मीर, तो जिसमें मैं थी, तो वो काफ़ी अच्छी मूवी थी और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया पूरे JNK की तरफ से. तो जिनने देखी है और जिन्हें नहीं देखी है वो जाके थिएटर्स में जाके देख सकते हैं. तो गाइज, आज इस ओकेजन पे मैं थैंक यू करती हूँ इंडियन आर्मी का कि यहाँ पे बुलाया, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं कुपवाड़ा आई हूँ किसी इवेंट पे, इससे पहले नहीं आने का कभी मौका मिला. बट सबका थैंक यू सो मच कि यहाँ पे आप आई. और वो जो बेसिकली मेरी मूवी है वेलकम टू कश्मीर, वो है ही वुमेन एम्पावरमेंट पे, और काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे आज यहाँ पे आके कि हम इंटरनेशनल वुमेंस डे पे आज यहाँ पे आ पाए. सो एक्चुअली इंटरनेशनल वुमेंस डे 8 मार्च होता है, बट अभी हमें थोड़ा पोस्टपोन करके इसको 11 करना पड़ा, बट इट्स ओके. हर एक दिन वैसे वुमेंस डे होता है, राइट? ओके. वैसे मेंस डे कब होता है? कब होता है? 19 नवंबर होता है. ओके. सो आज वुमेंस डे पे मैं यही कहना चाहूँगी सबको, थोड़ा सा लेट हो गया स्पीच के लिए, कुछ प्रिपेयर किया था, बट ठीक है, जितना मुझसे हो पाएगा आई विल ट्राई. तो मैं यही कहना चाहूँगी सबसे कि आज किसी भी टाइम पे आप अभी देख लो, लड़की किसी से कम नहीं है. आज हर एक चीज़ में आप देखो औरतें बहुत अच्छा कर रही हैं. आप अपने घर से ही देख सकते हो कि पहली बात तो वुमेन इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है. आप अपनी मदर को ले लो सबसे पहले, ठीक है? तो वुमेन इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है आज, मुझे नहीं लगता कि किसी भी फील्ड में नीचे है या फिर नीचे झुकने की बहुत ज़रूरत पड़ती है. या फिर काफ़ी टाइम पहले ऐसा कहा जाता था औरतों से कि आप बात ना करें, पीछे रहें, आपको बात करने का मतलब आगे नहीं है, हक नहीं कर सकते हैं, बट आज कर सकते हैं, राइट? और 100% कर सकते हैं. और जितने भी यहाँ पे स्टार लेडीज हमारे सामने बैठी हैं, आप देख सकते हैं ये सब लेडीज ही हैं और कितना अच्छा कर रहे हैं अपने काम में. बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है मुझे कि मैं इन लोगों में आज बैठी हुई हूँ. थैंक यू सो मच मैम कि आप लोगों के बीच में हम यहाँ पे बैठे हुए हैं. और बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है कि आप सब भी यहाँ पे इनके साथ मतलब इन आज इंटरेक्ट होने आए हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा. तो बात ऐसी है कि मतलब लाइक लड़की आज हर एक चीज़ में आगे. आप कहीं भी देखो, किसी भी प्रोफेशन में देख लो, आप टूरिज्म का देख लो, पुलिस का देख लो, या फिर कोई भी है, तो हर एक चीज़ में आज आगे कोई भी इनकी बराबरी आज मैं कह सकती हूँ कि लड़कियों की नहीं कर सकता, राइट? तो हमेशा एक लड़की होने पे अपने आप पे ही प्राउड करना चाहिए, क्योंकि मुझे, मैं खुद एक लड़की हूँ तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील होता है कि आज एक लड़की हूँ. तो अभी यहाँ आने से पहले मैं इन ऑफिसर्स जो थे हमारे, उनसे बात करी थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप यहाँ आ रहे हैं, तो हमारे चीफ गेस्ट और कौन कौन है, क्या आ रहे हैं. तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि जो भी चीफ गेस्ट आ रहे हैं यहाँ पे सब लेडीज़ हैं, जो अपने ही अपने फील्ड में इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि मैं भी प्राउडली सबको बोल सकती हूँ कि मतलब कौन आ रहे थे, क्या है, मतलब लेडीज़ होना मतलब अपने में ही आज मतलब एक पावरफुल चीज़ है. आप इसको इमेजिन करो, आप इसको फील करो, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है कि मतलब एक औरत होना बहुत ज़्यादा सही है. तो गाइज, मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगी कि और लास्ट पे हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल ऑफ यू. हमेशा खुश रहें और किसी से डरने की कभी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सबसे आगे हैं और आप सबसे ज्यादा स्ट्रांग है. आपसे स्ट्रांग पहले कोई हो ही नहीं सकता, फिजिकली मेंटली आपसे ज्यादा स्ट्रांग कोई भी नहीं है. अब लड़के बना लेंगे बॉडी शॉडी, जिम विम जाएंगे, लेकिन औरत से स्ट्रांग नहीं है. ओके, तो हैप्पी वुमेन्स डे गाइज, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और खुदा हाफिज़.